गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का थर्ड एग्जांपल जो है सेल कॉइलिंग इन स्नेक। सेल सबको पता है क्या होते हैं? सेल एक कवच बाहर का आवरण है जो स्नेक के ऊपर पाया जाता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। पहला तो आप सब लोगों ने देखा होगा इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक कॉइलिंग पाया जाता है, एक कवच पाया जाता है और इस कवच में एक कॉइलिंग होती है, कुंडलन होता है। ये सबको दिख रहा है। जो कुंडलन है वो दो तरह से होता है, दो तरह की कॉइलिंग होती है। एक दाएं तरफ होता है राइट साइड में, जिसे डेक्स्ट्रल कॉइलिंग बोलते हैं, और जो बाएं साइड में होता है उसे सिनिस्ट्रल बोलते हैं। डेक्स्ट्रल राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज, इसको तीनों बोलते हैं। सिनिस्ट्रल को लेफ्ट हैंडेड और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। डेक्स्ट्रल जो है उसमें डोमिनेंट डी प्रेजेंट होता है, कैपिटल डी। अगर दोनों कैपिटल डी है या एक कैपिटल डी या एक स्मॉल डी है तो वो डेक्स्ट्रल होगा। सिनिस्ट्रल दोनों रिसेसिव जीन्स होते हैं, इसमें दोनों स्मॉल डी होंगे। अगर हम लोग देखें इसमें जो फीमेल है अगर वो डेक्स्ट्रल है तो फीमेल डेक्स्ट्रल है तो जो एक प्रोड्यूस करेगी उसमें क्या होगा, कैपिटल डी होंगे और उसके साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होगी जिसके लिए कैपिटल डी रिस्पॉन्सिबल होता है। सिनिस्ट्रल फीमेल जो है उसमें स्मॉल डी प्रेजेंट है तो इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेक्स्ट्रल मेल और सिनिस्ट्रल फीमेल का क्रॉस बनाएंगे। डेक्स्ट्रल मेल में दोनों कैपिटल डी है, सिनिस्ट्रल फीमेल इसमें दोनों स्मॉल डी है। फीमेल क्या है यहाँ पे, सिनिस्ट्रल है। फीमेल सिनिस्ट्रल होने की वजह से जो एक प्रोड्यूस करेगी उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई स्पेशल टाइप प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो कोटेड स्क्वायर बॉक्स बना के इसका देखेंगे, इसके दो गैमेट्स कैपिटल डी कैपिटल डी, इसके दो गैमेट्स स्मॉल डी स्मॉल डी। तो क्रॉस कराएंगे सबका, सारे जो प्रोजेनी आएंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे, सिनिस्ट्रल होंगे। क्यों सिनिस्ट्रल होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो आ रहा है वो मदर से आ रहा है और मदर के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोजेनी में भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। भले ही ये कैपिटल डी है लेकिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मदर कैसे है, इसकी मेरा फेनोटाइप क्या है, दोनों स्मॉल डी है। तो सारे जो प्रोजेनी बनेंगे वो सिनिस्ट्रल बनेंगे। F2 जनरेशन में इसका सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन वालों का, तो हम लोग इसमें डेक्स्ट्रल में डेक्स्ट्रल फीमेल लेते हैं, दोनों सिनिस्ट्रल है इसमें तो दोनों सिनिस्ट्रल को लेंगे, सिनिस्ट्रल मेल और सिनिस्ट्रल फीमेल। अब फीमेल क्या है यहाँ पे, सिनिस्ट्रल है लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल डी प्रेजेंट है। कैपिटल डी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के लिए, तो जब भी ये एक प्रोड्यूस करेगा तो एक के साइटोप्लाज्म में स्पेशल टाइप का प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि इसमें कैपिटल डी प्रेजेंट है। तो सारे जो प्रोजेनी बनेंगे इसके गैमेट्स कैपिटल डी स्मॉल डी, इसके गैमेट्स कैपिटल डी स्मॉल डी, तो सारे जो प्रोजेनी बनेंगे वो क्या बनेंगे, डेक्स्ट्रल बनेंगे। हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप देख रहे हैं दोनों क्या है, स्मॉल डी है लेकिन फिर भी ये क्या है, डेक्स्ट्रल है। डेक्स्ट्रल डी है क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म के साथ इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए सारे क्या बनेंगे, डेक्स्ट्रल बनेंगे। इसका हम F3 जनरेशन जब देखेंगे, F2 जनरेशन का सेल्फिंग होता है यहाँ पे, जिसमें हम लोग कैपिटल डी एक डेक्स्ट्रल मेल को लेते हैं और एक डेक्स्ट्रल फीमेल को, दो सारे इसमें क्या है, डेक्स्ट्रल भी आए हैं। तो डेक्स्ट्रल मेल इसमें दोनों कैपिटल डी है और डेक्स्ट्रल फीमेल इसमें दोनों स्मॉल डी है। मदर के जीनोटाइप में दोनों स्मॉल डी है, इसमें कोई भी कैपिटल डी प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो भी एक प्रोड्यूस करेगी उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। प्रोटीन के अब्सेंस की वजह से सारे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे यहाँ पे प्रोजेनी बनेंगे वो कैसे होंगे, सिनिस्ट्रल होंगे। भले ही इसमें कैपिटल डी प्रेजेंट दिख रहा हो लेकिन सारे क्या होंगे, सिनिस्ट्रल होंगे क्योंकि साइटोप्लाज्म जो मदर से आ रहा है उसके साथ कोई भी प्रोटीन नहीं आ रहा है, इसमें जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन इसमें प्रेजेंट था जिसके लिए कैपिटल डी रिस्पॉन्सिबल था वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मदर के जीनोटाइप में कैपिटल डी प्रेजेंट नहीं है, तो कैपिटल डी प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ
प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से सारे जो प्रोजेनी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सिनिस्टर बनेंगे। हमें तीनों जनरेशन में देख रहे हैं कि अगर हमको मदर का जीनोटाइप प्रेजेंट है तो प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या है, इसे हम लोग पहले से ही बता सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि मेल क्या है, डेक्सल है, और फीमेल सिनिस्टर है, और सिनिस्टर में फिनोटाइप क्या है, दोनों कैपिटल डी, स्मॉल डी है, स्मॉल डी है तो ये कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहाँ पे हमको पता है कि दोनों स्मॉल डी है तो इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी विशेष प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से सारे जो प्रोजेनी बनेंगे वो क्या बनेंगे, सिनिस्टर बनेंगे। अब मदर का जीनोटाइप हमको पता चल गया कि दोनों स्मॉल डी है, तो हम लोग आंख मूंद के ये बता सकते हैं कि जो प्रोजेनी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सिनिस्टर बनेंगे। मदर का जीनोटाइप में अगर कैपिटल डी प्रेजेंट है तो ये पहले ही बता सकते हैं कि जो प्रोजेनी बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, डेक्सटर बनेंगे। उनका जीनोटाइप चाहे जो भी हो लेकिन उनके सारे डेक्सटर, तो ये पहले से ही निर्धारित हो जाता है। मदर के जीनोटाइप को देखकर ही प्रोजेनी के फिनोटाइप को हम लोग पहले से ही डिटरमिनेट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, इसलिए इसे प्री डिटरमिनेशन भी कहा जाता है। डिले इफेक्ट का भी एक अच्छा एग्जांपल है ये, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो कैपिटल डी प्रेजेंट है फिर भी ये क्या है, सिनिस्टर है, लेकिन इसका जब अगली जनरेशन में सेल्फिंग होता है तो कैपिटल डी के प्रेजेंट होने की वजह से जो फीमेल है वो प्रोटीन भी प्रोड्यूस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी प्रोड्यूस होगा, मतलब कैपिटल डी अपना प्रभाव जो दिखा रहा है वो लेट से दिखा रहा है, इसलिए इसे डिलेड इफेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में।